नमस्ते एवरीवन इस वीडियो में हम बात करने वाले डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करते डायरेक्टली सम के ऊपर जंप करते हैं चेक करते मैट्रिक्स इज डेरोगेटरी और नॉट स्टेप नंबर वन पे आते हैं हम लोग स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देंगे माइनस लैमडा आई इंटू एक्स वन एक्स टू तो एक्स थ्री एंड जीरो 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 तो अभी मैं वैल्यू यहाँ पे डालता हूं सो अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल दी है अब हम क्या करेंगे लैमडा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर लैमडा को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही रहेगा और अगर लैमड़ा को वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा लैमडा तो वन की जगह पे हम लोग लैमडा लिख देंगे ओके okay? सो so, अभी ये जो लैमड़ा है वो गायब हो जाएगा अब हम इसका और इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे मतलब ये माइनस ये अब डायगोनल एलिमेंट्स में ही डिफरेंस दिखाई देगा क्योंकि माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू ही होगा थ्री माइनस जीरो थ्री ही होगा बट टू माइनस लैमडा टू माइनस लैमडा होगा ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू माइनस लैमडा माइनस टू थ्री देन वन वन माइनस लैमडा वन वन थ्री माइनस वन माइनस लैमडा ओके देन बाकी चीजें वैसे के वैसे होगी अब यहाँ पे जो है ये हमने इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इसलिए हम यहाँ पे वो वैसे का वैसे लिखेंगे ओके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लैमडा क्यूब लैमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग ये दिन हमें पता है ये दिन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस टू इज इक्वल टू टू देन लैमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम पहला वाला डायगोनल एलिमेंट पकड़ेंगे जो भी डायगोनल एलिमेंट हम पकड़ते हैं उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो और कॉलम गायब हो जाता है तो हमारे पास बचते हैं ये चार नंबर सो माइनस वन इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन सो माइनस वन दैट इज माइनस वन माइनस सो माइनस वन दैट इज माइनस देन सेकेंड डायगोनल एलिमेंट पकड़ते हैं हम लोग दैट इज वन वन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो और कॉलम गायब हो जाएगा सो माइनस वन इंटू टू माइनस वन इंटू थ्री माइनस वन इंटू टू दैट इज माइनस टू माइनस थ्री सो माइनस टू माइनस थ्री दैट इज माइनस फाइव एंड थर्ड डायगोनल एलिमेंट इज दिस इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो गायब कर देते हैं बचते हैं हमारे पास ये चार नंबर सो वन इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस टू वन इंटू टू कितना होता है टू माइनस ऑफ माइनस टू सो वन सो टू प्लस टू दैट इज फोर और यहाँ पे हम लैमडा लिख देंगे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें कैल्सी की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा तो हमारा कैल्सी है, ये जो कैल्सी है फोर मैट्रिक्स तक स्टोर कर सकता है और ये फोर डिग्री तक के इक्वेशन सॉल्व कर सकता है एज कम्पेयर टू बाकी के नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसे कि कैसे 99, ES और ई एस प्लस वो जो कैल्सिज है वो बस तीन डिग्री तक के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और तीन मैट्रिक्स ही स्टोर कर सकते हैं इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बेटर कैलसी है क्योंकि एग्जाम में फोर डिग्री तक के इक्वेशन और मैट्रिक्स स्टोर और सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं तो अगर आपको एक एल खरीदना है तो इसका बेस्ट बाय अमेजॉन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से एक एल खरीद सकते हो तो ये हमारा कैल्सिया मेरे मेनू में जाएंगे मैट्रिक्स मोड में जाएंगे तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए में जाएंगे अब इसमें हम क्या करेंगे ए का जो मैट्रिक्स का वैल्यू है वो हम स्टोर करेंगे दैट इज टू माइनस टू दैट इज टू माइनस टू देन थ्री वन 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 एंड वन थ्री माइनस वन स्टोर हो गया देन ए दबा के हम स्टोर कर देंगे ऑप्शन ओके okay, अब हम अब नीचे का एरो अगर हम दबाएंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट नाम का ऑप्शन होगा तो यहाँ पे इसमें जाएंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ वॉट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो ऑप्शन में मैट्रिक्स नंबर ए यानी कि थ्री सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्योंकि मैट्रिक्स ए में हमारे ए का वैल्यू है ओके ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस सिक्स तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस सिक्स क्योंकि माइनस सिक्स था और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो तो अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा ये ये आता है हमारे पास ओके अब ये जो है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अब इसको हम सॉल्व करते हैं और लैमड़ा के तीन वैल्यूज निकालते हैं तो हमारा कैलकुलेटर है मेन्यू में जाएंगे नीचे अगर दबाएंगे तो यहाँ पे हमें इक्वेशन फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा इज इक्वल टू अब हमारा जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसलिए हम टू दबाएंगे अब तीन थ्री डिग्री का इक्वेशन है इसलिए थ्री दबाएंगे ओके सो अभी हम वैल्यूज डालेंगे क्यूब है तो इसलिए हम यहाँ पे वन डालेंगे देन माइनस टू देन माइनस फाइव क्योंकि माइनस फाइव लैमडा है एंड प्लस सिक्स ओके सो अगर तो आंसर आता माइनस टू थ्री एंड वन सो अभी हमारे लैमडा के जो तीन वैल्यूज है वो ये है अब अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक अगर नॉन रिपीटेड है यानी कि ये जो तीनों वैल्यूज है नॉन रिपीटेड है मतलब एक भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है तो सीधा का सीधा आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन डेरोगेटरी होगा तो आपको सीधे के सीधे लिखना है कि लैमडा के जो वैल्यूज है वो नॉन रिपीटेड है इसीलिए आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन डेरोगेटरी है नॉन डेरोगेटरी ओके ये हमारा टाइप नंबर थ्री था टाइप नंबर टू और टाइप नंबर वन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं ऊपर आपको इसी सेक्शन में मिल जाएंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस